अस्सलामुअलैकुम। ये है सुपर कैरी 1000 cc चार सिलेंडर, पेट्रोल पे ही भाई चलाते हैं, लोडिंग के इस्तेमाल में रखते हैं, पानी वगैरह सप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर हमने हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। पर्पस इसका यही है कि फ्यूल सेविंग हो जाए और जो पिक है वो बेहतर रहे, इंजन का कार्बन साफ रहे, ठीक है, ताकि जो है वो इसका एवरेज ख़राब ना हो। जब इंजन का कार्बन अच्छा रहेगा, साफ़ रहेगा, तो ये जो है ना इसके परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी इंजन की। तो ये HHO गैस हमने बना दी है कि ट्रक के यहाँ पे ये बबल्स बन रहे हैं, तो ये HHO गैस के बबल्स हैं जो कि फ़िल्टर के पास से गाड़ी के इंजन में चला जाएगा। इससे गाड़ी जो है वो आराम से 3 से लेके 5 किलोमीटर तक गाड़ी जो है ना फ्यूल सेविंग करती है। पेट्रोल इसका हमने सेट कर दिया थोड़ा सा, बाकी ये कुछ चलते हुए करेंगे। मेन लोडिंग पर चलती है तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल कम नहीं करेंगे, ऐसा ना हो कि अंडर पावर हो जाए। तो ये गैस असल में करती है कि फ्यूल की जो बर्निंग एफिशिएंसी है उसको बढ़ा देती है, उसको मुकम्मल जलाती है, तो गाड़ी का पिक पावर बहुत हद तक बढ़ जाता है, ऑयल जो है वो डबल चलता है, ठीक है जी। और इसके अलावा बाल वगैरह, पिस्टन वगैरह, ये सब साफ़ रहते हैं। तो कुछ अर्से चलने के बाद इंशाल्लाह इसका ये सारा का सारा सब साफ़ हो जाएगा। ये इसका साइलेंसर है, तो धुआं तो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा इसमें, आमतौर पर पुरानी गाड़ियाँ ज़रा धुआं देती हैं। बहरहाल कुछ चलेगी तो साफ़ हो जाएगी। अभी जो है वरना इंस्टॉलेशन कर दी है कम्प्लीट, उसकी सेटिंग करेगा वो, थोड़ा और सेट करेगा इसको, अच्छा धुआं जो आ रहा है। ट्यूनिंग वगैरह कर दी है इसकी, तो अभी देखते हैं कि ये और कितना अच्छा जो है परफॉर्म करेगी गाड़ी। एक्सपेक्टेड ये है कि 3 से लेकर 5 किलोमीटर तक इसको सेविंग देनी चाहिए। लोड के अंदर पावर बहुत अच्छा होता है, तो उसमें इतनी सेविंग नहीं होती, जबकि खाली जो होती है तो उसमें पावर बहुत फील हो रहा होता है, तो पैडल हल्का करने से सेविंग ज़्यादा फील होती है। और लोड होती है तो उसमें फिर ये होता है कि पिक अच्छा हो जाता है, जल्दी उठ जाती है गाड़ी, तो बहुत अच्छी सेविंग उसमें लोडर गाड़ी के अंदर जो है ना उस वक्त इतनी ख़ास नज़र नहीं आती बहरहाल, लेकिन इसके जो बाकी बेनिफिट हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, एक जैसे ही रहते हैं।